दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां पर वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का अंतिम मैच कल हमें भारत और नीदरलैंड की टीम के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच रहा। चलिए थोड़ा सा मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भाई टीम इंडिया के टॉप 5 सभी बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। आपके रोहित शर्मा, आपके यहां पर शुभमन गिल, विराट कोहली, तीनों खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरीज लगाई। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने यहां पर ताबड़तोड़ शतक जड़ा, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 410 रन बनाए थे। 411 रनों का विशाल टारगेट यहां पर नीदरलैंड के सामने था और भाई नीदरलैंड की टीम मैच 250 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। टीम की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे सभी खिलाड़ियों में गेंदबाजी कराते हुए नजर आए थे। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के दौरान 9 गेंदबाजों का यूज किया था, लेकिन दोस्तों इस मैच में टीम इंडिया ने इजीली यहां पर जीत दर्ज कर ली थी और वर्ल्ड कप 2023 की जो फाइनल पॉइंट टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। अगली बार वर्ल्ड कप में 9 मैच खेले, 9 के 9 मैचों में यहां पर वन साइडेड रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके आपकी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट नेट रेट का रिकॉर्ड यहां पर टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। और भाई पूरी पॉइंट टेबल आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर है, अब सभी को इंतजार है सेमीफाइनल्स का। चलिए फटाफट हम सेमीफाइनल्स के शेड्यूल के ऊपर नजर डाल देते हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच हमें 15 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। वही वर्ल्ड कप 2023 का सेकंड सेमीफाइनल मैच हमें उसी से नेक्स्ट डे 16 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हमें यहां पर आपके कोलकाता के ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और उसके बाद भाई यहां पर 19 दिसंबर को हमें वर्ल्ड कप 2023 का ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच देखने को मिलने वाला है। और इंडिया वर्सेज नीदरलैंड मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जहां पर भाई उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई उन्होंने खुद ऐसा बोला कि भाई हम खुद यहां पर अपने छठे बॉलर को लेकर थोड़ा सा चिंतित, हम केवल 5 टॉप बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, छठा ऑप्शन हमारे पास है, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं। हालांकि पिछले मैच के दौरान टीम इंडिया की तरफ से 9 गेंदबाजों को यूज किया गया था और इसके पीछे यहां पर एक नए गेंदबाज की तलाश फिलहाल रोहित शर्मा ने शुरू की है, ऐसा उन्होंने यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के सेमीफाइनल मैच को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि भाई ऑलरेडी यहां पर कंफर्म हो चुका है कि वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच हमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच 15 नवंबर को हमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस मैच के आगाज से पहले, इस मैच के रिगार्डिंग एक दो बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। मैच से पहले एक बुरी खबर भी यहां पर निकल कर आ रही है। जी हां, सभी को याद आ रहा है वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मैच, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराया था। और वर्ल्ड कप में अक्सर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम भारत के ऊपर काफी हैवी पड़ती है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि अब की बार भी लीग स्टेज के दौरान इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच ही एक ऐसा क्लोज मैच हुआ था, जहां पर टीम इंडिया ने थोड़ा सा क्लोजली मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था जीत के लिए। बाकी सभी मैचेस में भारतीय टीम ने वन साइडेड जीत दर्ज की, जिसके चलते भाई यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भाई मतलब अच्छी तरह से भारतीय टीम अपनी तैयारियां कर रही है। प्लेइंग 11 में भी हमें यहां पर एक दो चेंज देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई हो सकता है कि भाई इन बड़े मैचेस के लिए रविचंद्रन अश्विन को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि भाई जिस तरह से हमारी टीम फिलहाल फॉर्म में है उसको देखते हुए सीरियसली हमारी टीम, हमारी मेहनत एक वर्ल्ड कप का टाइटल यहां पर डिजर्व करती। खैर दोस्तों बिल्कुल यहां पर डिजर्व करती, आपको पता है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें चाहे वो बल्लेबाज है, चाहे वो गेंदबाज है, चाहे वो ऑलराउंडर्स है, सभी की तरफ से हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आईपीएल की ट्रेड्स की रिगार्डिंग सभी खबरें देखने को मिलती है, तो भी आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 के रिगार्डिंग, जहां पर भाई अब की बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और भाई ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों ने काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा। लेकिन इसी बीच यहां पर व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स भी अब की बार टूटे हैं। जी हां, पूरा वर्ल्ड कप भारत में होस्ट हो रहा है भाई, बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्ट किया गया है। और अब की बार भाई पूरे वर्ल्ड कप में क्रिकेट के पूरे इतिहास में किसी भी टूर्नामेंट को इतना ज्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं देखा गया है जितना अब की बार वर्ल्ड कप 2023 को देखा गया है। जी हां, सभी पिछले पुराने रिकॉर्ड्स को यहां पर चाहे आपके टीवी राइट से, चाहे आपके मोबाइल राइट से, हर जगह पर यहां पर हर रिकॉर्ड को अब की बार वर्ल्ड कप 2023 ने तोड़ दिया है। और एक ऐसा अनबीटेबल, जी हां, एक बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड यहां पर व्यूअरशिप के मामले में अब की बार स्टार स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार ने मिलकर बना दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर, जहां पर भी आपको पता है कि नीलामी के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से दुबई में हमें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में यहां पर बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है टीम चेन्नई सुपर किंग को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि पिछले आईपीएल की नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग की टीम ने बेन स्टोक्स को 16 करोड़ रुपए की हैवी अमाउंट में अपने स्क्वाड में शामिल किया था। लेकिन अभी एक दो दिन पहले सीएसके ने अनाउंसमेंट की थी कि भाई आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग की टीम इस खिलाड़ी को रिलीज करने वाली है। रीजंस के बारे में डिस्कशन पूछे गए तो भाई वहां पर आपकी सीएसके की तरफ से हमें कोई मतलब कोई जवाब यहां पर देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों फाइनल अपडेट यहां पर निकल कर आ चुका है, जहां पर बेन स्टोक्स आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद अनअवेलेबल होने वाले हैं, जिसके चलते भाई अपने पर्स बैलेंस को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यह टीम चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने स्क्वाड से बेन स्टोक्स को रिलीज कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए मुंबई इंडियंस की टीम भी जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने कल एक बहुत ही शॉकिंग खबर सभी के सामने रखी, जहां पर भाई मुंबई इंडियंस की टीम ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले रिटेंशंस के दौरान ही यह टीम, इस टीम के वन ऑफ द खतरनाक गेंदबाज जी हां जोफ्रा आर्चर को इस टीम के स्क्वाड से रिलीज कर देगी। खुद इन्होंने यहां पर कंफर्म कर दिया है। रीजन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बोला अभी करंटली वो इंजरी का शिकार है, पिछले एडिशन में भी इंजरी की वजह से भाई टोटल उनका पैसा यहां पर वेस्ट हुआ था, जिसके चलते भाई जोफ्रा आर्चर के साथ यह टीम नहीं जाना चाहती है। हालांकि पंजाब किंग्स टीम के साथ यह टीम कॉन्टैक्ट में आई, जहां पर भाई एक ट्रेड करना चाहती है, किशोर बाड़ा को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है और उनके बदले में जोफ्रा आर्चर को देना चाहती है। लेकिन पंजाब किंग्स की टीम भी इस ट्रेड को लेकर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई जा रही है भाई, यानी ये ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा। और भाई आपके यहां पर इस टीम के जो जोफ्रा आर्चर है वो हमें आईपीएल 2024 की नीलामी में ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, जहां वर्ल्ड कप 2023 के जस्ट बाद सभी टीमें वापस अपने स्वदेश लौट जाएगी, केवल यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ही भारत में बचेगी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है। उस T20 सीरीज का फाइनल शेड्यूल यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुका है। लास्ट 2 मैचेस के वेन्यूज को यहां पर बदल दिया गया है। इस सीरीज के लिए ऑलरेडी यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर भी हमें बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर भुवनेश्वर कुमार हमें इस सीरीज में कमबैक करते हुए नजर आने वाली है। रियान प्रयाग इस सीरीज में मैच डेब्यू प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। और मैं इसके अलावा भी आपको बताना चाहूंगा कि कैप्टनसी को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार था। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ या फिर सूर्य कुमार यादव इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें भारतीय टीम की सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 को लेकर, जी हां, आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि एलएलसी ग्रुप ने लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 की घोषणा भी से कुछ टाइम पहले कर दी थी, जहां पर भाई 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें भारत के 5 अलग-अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। तैयारियां फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों पर है, सभी डिटेल्स यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। और भाई आपको पता है कि भाई 2 नई टीमों को अब की बार लीजेंड्स क्रिकेट लीग में एडअप किया गया है। 6 टीमों का टूर्नामेंट होने वाला है, सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स भी यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं। और ऐसे में आज शाम को या फिर कल शाम को आपको अपने चैनल पर एक स्पेसिफिक वीडियो लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर भाई आपको इस टूर्नामेंट की A to Z हर इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन केवल एक ही स्पेसिफिक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर, ऋषभ पंत को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर अभी से एक दो दिन पहले इंटरनेट पर एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर भाई ऐसा बताया गया था कि आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले आपकी दिल्ली कैपिटल्स टीम के जो डायरेक्टर है वो अपने स्क्वाड से ऋषभ पंत को रिलीज करना चाहते हैं। उसके बाद भाई उनके हेड कोच ने पंत को सपोर्ट किया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर पंत नहीं रहेंगे तो वो भी अपना हेड कोच का पद छोड़ देंगे। उसके बाद भाई यहां पर कुछ बातचीत आपस में हुई थी, लेकिन अब एक खबर बहुत ही मतलब सटीक खबर देखने को मिली, जब ये खबर ऑफिशियल्स तक गई तो इसके बाद क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिला है, जहां पर भाई यह जो खबर फैल रही थी पूरी तरह से टोटली रूमर था, इस खबर में किसी भी टाइप की कोई भी सच्चाई नहीं थी। रिलीज को लेकर जो बातचीत थी वो यहां पर इसी टीम के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शाह को लेकर थी। जी हां, आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले पृथ्वी शाह को यह टीम अपने स्क्वाड से ड्रॉप करने वाली है, 8 करोड़ रुपए का अपना पर्स बैलेंस यह टीम खाली करने वाली है। तो दोस्तों आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।